हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉर्मली हर सक्सेसफुल लोगों की एक आदत होती है, वो है बुक्स पढ़ना। एक सर्वे से पता चला है कि दुनिया के सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों के सक्सेस के पीछे बुक्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। वो लोग महीने में कम से कम एक या दो बुक जरूर पढ़ते हैं। एक्चुअली बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। मैं उन बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके मदद से हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है। जो बुक्स हमें जिंदगी जीना सिखाती है। सब सोचते हैं कि बुक्स पढ़ने से क्या हो जाएगा, लेकिन भाई ये गलत है। बुक्स पढ़ने से बहुत ही कुछ हो सकता है। मेरा मतलब है सिर्फ पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़कर छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला। बुक्स को पढ़ने के बाद उन बुक्स में लिखी गई बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ता है, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यानी कि बुक्स में लिखी गई बातों की तरह खुद की लाइफस्टाइल को बदलना पड़ता है, तभी कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ बुक्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो बुक्स आपके लाइफ में सक्सेस होने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बुक जिसका नाम है सीक्रेट, इस बुक के बारे में जितना भी बोलूं वो कम है, क्योंकि ये बुक खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है। इस बुक रोंडा बिरने नाम के एक ऑथर ने लिखा है। जब ये बुक पब्लिश हुआ था तो पहले साल में 19 करोड़ से भी ज्यादा बुक सेल हुए थे और 40 लैंग्वेजेस में इस बुक को पब्लिश किया गया। ये बुक हमें कैसे काम आएगी चलिए बताता हूँ। इस बुक का मेन पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई काम को सोच ले और उसको करने के लिए जिद पकड़ ले, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो होती है वो एक तरह की वाइब बाहर निकालती है, जिसको नेचर अट्रैक्ट करता है और वो काम कैसे करना सही है वो तरीका हमको बताता है। आपने तो वो फेमस डायलॉग सुना होगा, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उस चीज से मिलाने में जुड़ जाती है। इसी तरह किसी भी बात हो, कोई भी काम हो, उसको करने का सही प्रोसेस कैसे होता है इस बुक से हमको पता चलता है। और एक बात दोस्तों, हमारे जिंदगी में आने वाला खुशियों का कारण हम खुद होते हैं और दुखों का कारण भी हम खुद ही होते हैं। ये वाला सीख भी हमको इस बुक में मिलता है। तो ये बुक को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। दूसरे नंबर पे आती है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक जो होती है उनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। इस बुक को जेम्स क्लियर ने लिखा है। अगर किसी को बुरी आदतें हैं या फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है, मतलब जो लोग लेजी होते हैं, वो इंसान अपने पुरानी आदतों को भुलाकर कुछ अच्छी आदतों को प्रैक्टिस करे तो धीरे धीरे लाइफ में सक्सेस हो सकता है। इसके साथ वही आदतों को फॉलो भी करना पड़ता है, और अच्छी आदतों को फॉलो करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इंसान का माइंड कभी स्थिर नहीं होता, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन एटॉमिक हैबिट्स बुक में हमको मिल जाएगा। इस बुक का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी काम को आसानी से आदत में बदलने के लिए चार लॉस को फॉलो करना पड़ता है। जेम्स क्लियर का कहना है, अगर आप वो चार लॉस को फॉलो करते हैं तो जिंदगी में हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि जिंदगी में हमको ऊपर तक उठाना या फिर नीचे गिराने की वजह हमारी आदतें होती है। ये बुक अच्छी आदतों को कैसे बनाए और उन्हें हमेशा कैसे फॉलो जाए इस बात का क्लैरिटी देता है। तो ये बुक भी आप एक बार जरूर पढ़ना। तो हमारा अगला बुक का नाम है 12 वीक ईयर। इस बुक को ब्रियान पी मोरान ने लिखा है। इस बुक का कॉन्सेप्ट है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। हमको अगर कोई काम हो तो हम हमेशा 12 महीनों को ध्यान में रखकर ये सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो काम को बाद में कर लेते हैं, जिसके वजह से उस काम को साइड में रखकर कोई इधर उधर का काम कर लेते हैं। अगर हम 12 मंथ्स बहुत ही ज्यादा समय होता है ये सोच को मन से हटा ले तो कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पर हम इस बात को कैसे मन से हटाएं? इस प्रॉब्लम का सलूशन हमको इस बुक में मिल जाती है। लाइफ में गोल्स कैसे बनाएं? फिर उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमारा प्लान कैसे होना चाहिए, एवरी वीक का प्लान कैसे होना चाहिए, काम और टाइम को कैसे डिवाइड करना चाहिए, ये सब बातें हम इस बुक को पढ़कर जान सकते हैं। अगर हम ये सब चीजों को जान लेंगे तो हम टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही आगे जा सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बुक का नाम है रिच डैड और पुअर डैड। दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग जितना भी स्ट्रगल करें उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल और उनके जवाब
इस बुक में आपको जरूर मिल जाएगा। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी नाम के ऑथर ने लिखा है। इस बुक में अमीर होने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। हमारे पास हमेशा रहने वाली सबसे बड़ी एसेट जो है वो है हमारा ब्रेन। अगर हम अपना ब्रेन को सही तरीके से यूज करें तो वो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। वही बात कियोसाकी ने इस बुक में लिखा है। और हमारे ब्रेन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें वो बात भी इस बुक में हमें मिल जाएगा। फिनेंशियली आप अगर चेंज होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, तो आप इस बुक को कभी मिस मत करना, एक बार तो पढ़ना जरूरी बनता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है 4-Hour Workweek। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल के जमाने में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इसी टॉपिक को सर्च किया जाता है। टॉपिक ये है कि हाउ टू अर्न मनी इन ऑनलाइन। बहुत सारे लोग ऑनलाइन से पैसे कमाने के लिए आइडियाज और प्लान्स ढूंढते हैं। इस बुक के राइटर ने जॉब छोड़कर जब जहां मन किया वहां पर काम करके पैसे कमाते थे। मतलब पूरी तरह ऑफिस में काम करने के बजाय थोड़ा टाइम देकर कुछ अलग अलग के काम कर पैसा कमाते थे और उनके एक्सपीरियंस को इस बुक में लिखे हैं। अभी ऑनलाइन में पैसे कैसे कमाएं और पैसिव इनकम से हमें कैसे लाभ होगा, ऑनलाइन से पैसे कमाने के लिए कैसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारी बातें बुक्स में बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किए हैं। जो लोग ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एपिसोड था कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में, जो बुक्स आपके लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस लिस्ट में जो भी बुक्स है ये आपको बहुत ही मदद कर सकते हैं। ये बुक्स आपको पढ़ना जरूर चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद।